हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूं कि आप अपने बच्चे के जीभ की सफाई किस तरह से कर सकते हैं। जिस तरह से मैं अपने बच्चे की जीभ की सफाई किया करती थी, उसी तरह से मैं आपको करके दिखाऊंगी। ये मेरी बच्ची है जो अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है, 3 साल की हो चुकी है, पर जब ये छोटी थी तो मैं इसके जीभ की सफाई किस तरह से किया करती थी, मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जीभ की सफाई ज़रूरी क्यों है। जब भी कोई बेबी दूध पीता है, वो काफ़ी छोटा होता है तो केवल और केवल दूध पीता है, पानी तक नहीं हम लोग उसे देते अप टू 6 मंथ तक। तो जब वो दूध पीता है तो दूध का कुछ कण जो रहता है, कुछ बूंद जो ड्रॉप रहता है, वो मुंह में फंसा हुआ रह जाता है और जीभ पे भी वो चिपक जाता है। तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे जीभ पे जमा होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप 3-4 दिन तक देखेंगे उसे वैसे ही छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वो एक लेयर का टाइप का बन जाएगा, धीरे धीरे वो लेयर बनना शुरू हो जाता है जीभ के ऊपर। तो अगर आप देखे होंगे कि अगर 3-4 दिन तक आपने जीभ की सफाई नहीं की है तो जो जीभ पिंकिश कलर का है उसके ऊपर एक व्हाइट कलर का लेयर बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जीभ की सफाई नहीं करने से। तो इससे आपके बच्चे के जीभ के ऊपर भी ऐसा ना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने जीभ की सफाई डेली करनी चाहिए। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे के मुंह से स्मेल देखेंगे, अगर आप 3-4 दिन तक बच्चे की जीभ की सफाई नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, बच्चे की जीभ मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाता है, बदबू आने लगता है, या फिर बच्चा जब दूध पीता है तो उसे वोमिट कर देता है, उसे पचा नहीं पाता है, या फिर बच्चे के पेट में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मुंह ड्रॉप जो पेट में बचा रह जाता है उसमें धीरे धीरे सड़ना शुरू हो जाता है और वो मुंह के थ्रू पेट में भी जाएगा तो पेट के में भी इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपके बच्चे के साथ भी ना हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपने बच्चे की जीभ की सफाई डेली करनी है। तो मैं आपको लाइव करके दिखाने वाली हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि जीभ की जब सफाई हम लोग कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आप जब भी बच्चे की जीभ की सफाई कर रहे हैं तो एक साफ़ सुथरा कपड़ा यूज करें, कॉटन का होना चाहिए, वो पतला बिल्कुल होना चाहिए। अगर पुराना कपड़ा है तो ये बहुत बेटर है। मैं आज आपके लिए हैंकी, ये छोटा सा है, ये कॉटन का है बिल्कुल, तो इसे यूज करेंगे। आपको नया कपड़ा यूज करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल यूज भी ना करें, क्योंकि वो नया कपड़ा जो रहता है वो रफ रहता है, सॉफ्ट नहीं रहता है, जिससे बच्चे को जीभ में क्या हो सकता है, छिल भी सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको यूज करना है कॉटन का पुराना कपड़ा जो बिल्कुल सॉफ्ट हो। आपके घर में अगर कोई जेंट्स है वो धोती यूज करते हैं तो आप पुराने धोती का एक टुकड़ा ले सकते हैं, वो काफ़ी धुलते धुलते सॉफ्ट हो जाता है और हमेशा उसे धुल कर बच्चे के लिए ही यूज करना है। या फिर आपको साड़ी का एक टुकड़ा ले सकते हैं, पुरानी साड़ी कॉटन की साड़ी का कोई एक टुकड़ा ले सकते हैं, उसे भी रख सकते हैं। या फिर आपके पास हैंकी है तो हैंकी को भी आप यूज कर सकते हैं, पर हैंकी जो पुराना थोड़ा हो और साफ हो तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो उसे आप यूज कर सकते हैं बच्चे की। कुछ लोग कॉटन यूज करते हैं बच्चे की जीभ की सफाई के लिए। मैंने कभी कॉटन यूज नहीं किया है क्योंकि मुझे डर लगता है कि कॉटन का अगर कोई भी जो टुकड़ा है बच्चे के मुंह में रह जाएगा तो बच्चे के कंठ में जाकर फंस सकता है, गले में लग सकता है, तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए मैं कभी भी कॉटन को यूज नहीं करती थी, या फिर जो मार्केट में भी कुछ चीज़ें फिंगर में फंसाने वाला मिलता है वो भी मैं कभी यूज नहीं करती थी। मैं हमेशा एक कॉटन का कपड़ा यूज करके बच्चे की जीभ की सफाई किया करती थी। दूसरा चीज़ जो हम लोगों को ध्यान रखना है, अपने हाथ में हाथ की साफ सफाई। अभी तो कोरोना का टाइम है तो इस पर हम लोगों को और ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें अपने जब भी बच्चे की जीभ की सफाई करने जाएं तो उसके अपने हाथ को अच्छे से साबुन से धो लें या फिर सैनिटाइज कर लें। बेस्ट है कि आप अपने बच्चे हाथ को साबुन से धो लें। दूसरी चीज़ जो है हाथ के बारे में वो है, आप जब भी अगर आप माँ है, नई नई माँ बनी है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप कभी भी आप बच्चे को जरूरत पड़ सकती है तो आप जो हाथ में रिंग पहनती हैं उसे उतार ही दें, क्योंकि जब आप रिंग पहनकर बच्चे की साफ सफाई करेंगे तो वो बच्चे को लग सकता है। तो ये बात का ध्यान रखना है कि बच्चे के आपके हाथ में रिंग वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो है नाखून। जब आप बच्चे का केयर अगर कर रहे हैं, आप नई नई माँ बनी है, तो आपका नाखून बिल्कुल कटा होना चाहिए, वो बिल्कुल फाइल किया होना चाहिए ताकि बच्चे को कहीं लग ना सके। तो ये सबको ध्यान में रखना है। अब किस तरह से सफाई करनी है वो मैं बताने वाली हूँ। तो जब भी आप बच्चे की जीभ की सफाई करते हैं तो हमेशा इंडेक्स फिंगर को यूज करते हैं। मैं हमेशा इंडेक्स फिंगर की को यूज करती थी क्योंकि इसे यूज करना आसान होता है और ज़्यादा एक्टिव होता है ये। ज़्यादा आपने देखा होगा सारे जो फिंगर्स हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा वर्क करता है वो है मेरा इंडेक्स फिंगर। तो मैं हमेशा इंडेक्स फिंगर से बच्चे की जीभ की सफाई किया करती थी। मैं क्या लेती थी, आप ले सकते हैं थोड़ा सा गुनगुना पानी,
गुनगुना पानी मैंने इस कटोरी में लिया है, थोड़ा सा गुनगुना पानी। करना क्या है, ये मेरा हैंकी है, ये हैंकी है, इसको क्या करना है, इस तरह से आपको फंसा लेना है इंडेक्स फिंगर में, और अगर आप और क्या करना है, हल्के गुनगुने पानी में भिगा देना है, इस तरह से भिगा देंगे। और क्या करना है, आपको बच्चे को होल्ड करना है। अगर बच्चा काफ़ी छोटा है तो आप तो गोद में होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप कहीं भी बेड पे लिटाकर भी उसके सर के नीचे हल्का सा तकिया डालकर उसकी सफाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को छोटा बच्चा है तो उसे होल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चा हाथ पैर भी बहुत फेंकता है। तो मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ किस तरह से आपको आपकी सफाई करनी है। तो मैं अपने बच्चे को इस तरह से होल्ड कर रही हूँ, मैं कभी कभी इस तरह से भी कर सकते हैं आप, इस तरह से होल्ड करके करना है। करो बेटा, इस तरह से बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो खुद ब खुद जीभ निकालना शुरू कर देता है, तो इस तरह से होल्ड करना है। आ करो, आ इस तरह से बच्चे के मुंह के अंदर डालना है, और इस तरह से पूरे जीभ को इस तरह से साफ करना है, साथ में बच्चे के मसूढ़े को भी इस तरह से पूरा अच्छे से साफ करके बाहर निकाल देना। तो इस तरह से आप अपने बच्चे की जीभ की सफाई कर सकते हैं। तब ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर बच्चा रोएगा पर जीभ की सफाई उसकी अच्छे से हो जाएगी। धीरे धीरे बच्चे को भी आदत हो जाता है और माँ को भी आदत हो जाता है बच्चे की जीभ की सफाई करने की। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप उसे आ करने बोलेंगी तो वो खुद ब खुद आ कर देगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चे की सफाई कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा काफ़ी छोटा है तो उसे आप बेड पे सीधा लिटा कर भी आप उसके मुंह को इस तरह से, सीधा बच्चा लेट जाता है तो मुंह के इस तरह से होल्ड करेंगे तो बच्चा का मुंह फट जाएगा। आप उसके अंदर फिंगर को डालकर, कपड़ा से ऑब्वियसली कपड़ा लगा हुआ फिंगर को डालकर उसको अच्छे से साफ करके निकाल सकते हैं। तो अगर इस तरह से आप बच्चे की जीभ की सफाई करेंगे तो बच्चे का जीभ अच्छे से साफ हो जाएगा। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, मैं किस इस तरह से अपने बच्चे की जीभ की सफाई किया करती थी। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने बच्चे का ख्याल जरूर रखें। तब तक आप अपना और अपने बेबी का ख्याल। बाय बाय।